नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चेन्नई के इस खिलाड़ी से दिल्ली को रहना होगा अलर्ट, प्लेऑफ में हमेशा बना है सिरदर्द। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के दूसरे क्वालिफायर में विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई राजशेखर रेड्डी SCA BDCA क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेंगी। IPL के इतिहास की सबसे सफल टीमों में गिनी जाने वाली चेन्नई लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं दिल्ली के खिलाड़ियों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल को चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना से सावधान रहना होगा, क्योंकि प्लेऑफ में उनके बल्ले से खूब रन निकलते हैं। सुरेश रैना ने अभी तक प्लेऑफ में 22 मैच खेले हैं, जिसमें रैना ने 160 की स्ट्राइक रेट से 695 रन बनाए हैं, जो किसी अन्य खिलाड़ी से काफी ज्यादा है। इस सीजन में रैना का बल्ला शांत ही रहा है और 15 मैच खेलकर 126 की स्ट्राइक रेट और 26 की औसत से 364 ही रन बनाए हैं। हालांकि रैना ने लीग चरण के आखिरी दो मैचों में शानदार बल्लेबाजी की अपना फॉर्म हासिल कर लिया है। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 59 और पंजाब के खिलाफ 53 रन बनाए थे। रैना ने इस सीजन में अब तक कुल 3 अर्धशतक जमाए हैं। उनके बल्ले से 45 चौके और 9 छक्के निकले हैं। इंग्लैंड में इस मैच के दौरान अजीबोगरीब नजारा, रन लेते समय दो बार गिरे ये स्टार बल्लेबाज, वीडियो हुआ वायरल। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कई बार इस खेल में कुछ ऐसे मजेदार घटनाएं हो जाती है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते। एक ऐसी ही मजेदार घटना हाल ही में इंग्लैंड की काउंटी सरमसेट और सरे के बीच खेले गए मैच के दौरान हुई, और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और अब सरमसेट के लिए खेलने वाले मार्कस ट्रेक्सोथिक सरे के खिलाफ मैच के दौरान रन लेते समय दो बार फिसलकर गिर पड़े। सरमसेट के बल्लेबाज ने मिड विकेट क्षेत्र में शॉट खेला और रन लेना शुरू कर दिया। नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद ट्रेक्सोथिक ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद दौड़ना शुरू किया, लेकिन क्रीज में पहुंचने से पहले संतुलन खो दिया और गिर पड़े। साथ ही बल्लेबाज जब दूसरा रन लेने के लिए भागे तो ट्रेक्सोथिक ने उसका साथ दिया, लेकिन जब बल्लेबाज ने तीसरा रन लेने का फैसला किया तो दूसरे छोर पर मौजूद ट्रेक्सोथिक फिर से गिर पड़े, जिसे देखकर फील्डिंग टीम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे हरभजन। राजधानी दिल्ली केवल पारे के कारण ही नहीं बल्कि नेताओं के बयान की वजह से भी उबल रही है। गुरुवार को यह उबाल उस वक्त और तेज हो गया जिस वक्त आप नेता और पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी अतीश ने हाल ही में क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर पर आरोप लगाए। अतीश का कहना है कि गौतम गंभीर पर उनके खिलाफ अभद्र पर्चे बांट रहे हैं, और यह बात कहते हुए अतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो भी पड़ी, जिसके बाद जहां भाजपा और गौतम गंभीर आम आदमी पार्टी और CM केजरीवाल पर भड़ास निकाल रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया पर भी अतीश बनाम गंभीर को लेकर बहस हो रही है। इस बहस के बीच में अब कूद पड़े हैं भारत के स्टार क्रिकेटरों में से एक और गौतम गंभीर के साथी हरभजन सिंह, जिन्होंने आज ट्वीट किया है कि मैं केवल गौतम गंभीर के जुड़े एक मामले को सुनकर स्तब्ध हूँ। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह कभी किसी महिला के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता है, वह जीते या हारे अलग मामला है, लेकिन यह आदमी इन सबसे ऊपर है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गलत है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।